नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दुनिया भर में कई बार ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता जताई गई, कई सबमिट हुए, चर्चाएं हुई, लेकिन अब तक इससे निपटने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया सिवाय चर्चा के। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग ने अब अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया के लिए रेड अलार्म भी बज गया है। दरअसल अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूटा है, जिसका आकार दिल्ली से 3 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। जरा सोचिए कि अगर ऐसे ही आकार के आइसबर्ग टूटेंगे तो इस धरती पर तबाही आना तय है। लगातार बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो आकार के मामले में ये दिल्ली का करीब 3 गुना है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित रॉन्ने आइस शेल्फ से ये विशाल बर्फ का टुकड़ा टूटा है। इस घटना को लेकर पूरी दुनिया खौफ में आ गई, क्योंकि यदि इसी रफ्तार से बर्फीले पहाड़ पिघलते रहे तो बड़ा संकट आ जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि आइसबर्ग A76 टूटने के बाद अब वेडेल सागर पर तैर रहा है। इस विशाल हिमखंड का पूरा आकार 4320 वर्ग किलोमीटर है। आइसबर्ग टूटने के इस घटना को यूरोपियन यूनियन के सैटेलाइट कॉपरनिकस सेंटिनल ने कैमरे में कैद किया। ये सैटेलाइट धरती के ध्रुवीय इलाके पर नजर रखता है। ब्रिटेन के अंटार्कटिका सर्वे दल ने सबसे पहले इस हिमखंड के टूटने की खबर दी थी। जानकारों का कहना है कि हिमखंड के टूटने से सीधे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जलस्तर बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका की बर्फ की चादर गर्म होकर पिघल रही है, इसके चलते ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, मुख्य तौर पर वेडेल सागर के आसपास। जैसे ही ग्लेशियर पीछे हटते हैं, बर्फ के टुकड़े टूट जाते हैं और समुद्र में तब तक तैरते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते या जमीन से टकरा नहीं जाते। पिछले साल भी दक्षिण जॉर्जिया में भी एक बड़ा हिमखंड टूटा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।